मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले अखिल भारतीय हड़ताल प्रदर्शन में अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अपनी जायज मांग को लेकर आवाज उठाई। साथ ही केंद्र सरकार से किए गए मांग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सरकारी अस्पताल एवं संस्थानों में काम करने के कानूनी अधिकार देने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज एक्ट 1976 को बहाल करने की मांग की। वही कंपनी के मालिकों से सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज का सेल्स के आधार पर उत्पीड़न और छटनी बंद करो सहित अन्य विषयों पर अपनी बातें रखी। हमारा यूनियन जो है सेल्स छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज यूनियन CGSPU के नाम से है, और इसमें जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स में हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे एम्प्लॉयर तीनों से डिमांड्स हैं। इसमें एक तो हमारी नियमावली होनी चाहिए काम की, क्योंकि बैंक में काम करने वाले 8 घंटा काम करते और चले जाते हैं, हमारे लिए काम का ऐसा कोई नियम बंधे नहीं, तो हम भी नियमों में रहें। दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 0 GST करने की मांग बहुत दिनों से चलती है, वो उसके ऊपर हमें 0 GST होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों का मांग है कि मिनिमम वेज जो है डिक्लेयर्ड वो हमको देना चाहिए। प्रदेश भर में आप लोग कितने लोग हैं, कितनी संख्या है? प्रदेश भर में हम लोगों का जो रजिस्टर्ड है 5,500। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को मिनिमम वेज डिक्लेयर किया है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है उसके लेवल पर किया हुआ है, और हम लोग जो है हाईली स्किल्ड है, पढ़े लिखे हम लोगों का एक अलग ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो मिनिमम वेज हम लोग मांग का जो मांग है ये है कि हम लोगों के लिए कानूनी नियमावली बनना चाहिए, जिसके तहत सारे देश के दवा प्रतिनिधि एक ही नियमावली में काम करें, और अगर कोई कंपनी इसका पालन नहीं करती है तो उसमें कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद हमारा एक नियम है कि हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, पूरे देश भर में 26,000 रुपये हम न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, 8 घंटे का कार्य होना चाहिए और हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों की एंट्री बैन कर दी जाती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कुछ कुछ राज्य सरकारों ने भी बोल रखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में या जिला अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नियोक्ता है और सरकार दोनों ये हमारे लिए सुनिश्चित करें कि हमारे कार्य में कोई व्यवधान नहीं आए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और आजकल कंपनियां GPS के नाम से सर्वेलेंस करती है, जो हमारे प्राइवेसी में इंट्रूजन, हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी में कोई इंट्रूजन नहीं, निर्बाध काम होता रहे, और कंपनी जिसने हमको नियुक्त किया है वो हम पे भरोसा कर सके कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्स को लेके सेल्स प्रेशर नहीं होना चाहिए, सेल्स के टारगेट को लेके किसी की नौकरी नहीं जाना, ये हमारी मुख्य मांग। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।